जय श्री राधे हर हर महादेव। आइए हनुमंत लाल जी का आशीर्वाद और संतों का कहना है कि पृथ्वी पर अयोध्या से तो सभी चले गए सरकार के साथ दिव्य साथ में, हनुमंत लाल जी रहे भगवान की इच्छा से। और हनुमंत लाल जी ने पूछा कि आपके बिना हम कैसे रहेंगे, नहीं रह सकते, मुझे भी ले चले। तो हनुमंत लाल जी को भगवान ने कहा कि हनुमान, जब तक पृथ्वी पर मेरी कथा है, ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा कि हनुमान जब तक पृथ्वी पर मेरी कथा है तब तक तुझे कष्ट नहीं हो, क्योंकि मैं ही अपनी कथा करूं। भगवान की कथा स्वयं भगवान ही है, ये रूप इनका दूसरा, और इसलिए हनुमान जी की वंदना में संत लोग कहते हैं कि जहां कहीं कथा का आयोजन हो, हनुमंत लाल जी पहली पंक्ति में आकर हाथ जोड़कर सिर नवाकर बैठ जाते हैं कथा सुनने। जहां जयकार हुआ हनुमंत लाल जी आ जाते हैं, तो ऐसे हनुमंत लाल जी की स्तुति करके अब हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की ओर बढ़ेंगे। लेकिन एक और आशीर्वाद की आवश्यकता, देखिए खरीदने जा रहे हैं बहुत कीमती चीज ना, तो पूंजी भी बहुत। अब देखिए हमारे यजमान जी कितना कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, यदि नाच का आयोजन करना हो तो ना बेड की आवश्यकता है ना बिछा उनकी, ऐसे ही लोग खड़े खड़े सुनते रहेंगे सारी बात। लेकिन भागवत जी में इतनी व्यवस्था हो रही है, फिर भी चार आदमी आएंगे कि नहीं समझे, क्योंकि हीरे मोती की दुकान पे भीड़ नहीं होती। आपके यहां भीड़ हो जाए तो बढ़िया बात है, वैसे भागवत में भीड़ हो तो हम एक और आशीर्वाद देंगे, और वो आशीर्वाद है अपने अपने गुरुदेव के। दुनिया में कोई भी सफलता किसी को मिलती है तो बिना गुरु के नहीं मिलती। संत भगवान कहते हैं कि बिनु गुरु हो ही के ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु, गाव ही वेद पुराण जस की लही हरि भगत बिनु। तो अपने अपने गुरुदेव का ध्यान वंदना कहो। बहुत आदमी कहेंगे मेरे तो गुरु ही नहीं है, हम नैमिषारण्य में कथा कर रहे हैं, हमारे रिलेशन के 70 वर्ष के हम गुरु महिमा पे ऐसे बोल रहे थे, जब मंच से उतरे तो गए तो मैं तो मंत्री नहीं लिया, आज तो गुरु ही नहीं बना। स्वयं प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, पूजा पाठ भी कर लिया। मैंने कहा तो बना लीजिए, कई प्रॉब्लम है कोई हमसे छोटा हो तो मन बने, क्योंकि ब्राह्मणों में है थोड़ी परंपरा देखी जाती है कि गुरु का उम्र थोड़ा बड़ा हो, अरे तब तो आप पीछे रह गए, हो सकता है 71 वाले आपको मिले ही नहीं जहां मन संतुष्ट हो, और बिना गुरु के ही मर जाएंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि भक्तमाल में नावा स्वामी ने गया है कि निगुरा पंथ न पावई, जैसे गुरु नहीं हुआ जीवन में, जो जिसका सर किसी के चरणों में झुका नहीं उसे रास्ता नहीं मिला, मनमुखी को मुक्ति नहीं। हमारा जी मन करिए, हमारा मन से ही चिगारे आ कति ची मौन,
व्यास जी की, सुखदेव जी की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी का मन, मेरा मन नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं सर को झुकाओ। या गुरु एक को थोड़ा कम, एक को ज्यादा हो रहा है, हाँ हाँ हल्का, एक को कथा में संगीत को थोड़ा चले श्री राम। इसलिए आइए, जिनके गुरु जी हैं उनका ध्यान करते हुए, जिनके गुरु जी नहीं है उनके होने वाले गुरु जी का ध्यान करते हुए, और जिनके गुरु जी होने वाले भी नहीं है उनका ही ध्यान करते। आप कहेंगे रे गजब है भाई, जिनका होने वाले इनके गुरु जी होंगे कौन, हैं ही गुरु का अर्थ होता है भगवान। और गुरु लेने का मतलब है संबंध जोड़ना। आप संबंध जोड़ो या न जोड़ो, वो परमात्मा सबका गुरु है। आप स्वीकारो न स्वीकारो, वो स्वीकार किया है। इसलिए गुरु के स्थान पर भगवान को बिठा के ध्यान करो, लेकिन अर्जी लगाओ हेमंत जी के वजन के साथ, आशीर्वाद लेके फिर कथा में बढ़ो। जय श्री राम। बोल गुरुदेव भगवान की।